और रतन रत्नस जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी इंडियन टाइम्स न्यूज के दर्शकगण हैं सभी को दर्शकों रिजोड़ कर प्रणाम है और थैंक यू कि अपने चैनल से हमको दिखा रहे हैं आप। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद सिंगर है और काफ़ी अच्छा गाना गाया, सबसे बड़ा आपका गाना हिट हुआ है सैया चोली ले जाए कौआ, मतलब यही सैया कौआ चोली ले गई, ये गाना आपका हिट हुआ था। आप खुद सिंगर है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप पवन सिंह को जानते हैं? कहे नहीं, हम जानते हैं, उनको गुरु मानते हैं। कौन है पवन सिंह? पवन सिंह अब हम बताएंगे पवन सिंह। हाँ, आप बता दीजिए, क्या है कि बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो भोजपुरी में अभी नया नया कूदा है, अब बोल रहा है कि पवन सिंह कौन है जानते नहीं, तो मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा बताइए पवन सिंह कौन है। जो बोल रही है कि पवन सिंह कौन है हम नहीं जानते हैं, वो अपने घर के पास जाए, अपने घर के पास के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछे कि पवन सिंह कौन है, वहीं बता देंगे उसको कि पवन सिंह कौन है। और हमको नहीं लगता कि हम बताएंगे पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह कौन है और क्या है, ये सबको पता है। सबको पता है पवन सिंह कौन है। हाँ, मतलब कि पवन सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं। नहीं नहीं, पवन सिंह के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो मैडम जी कहे कह रही है कि हम तो पवन सिंह को जानते ही नहीं है। अरे इसके दिमाग में उखरा पोखरा के दिमाग में जो है ना गोबर घोरा गया। क्या 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 उखरा उखरा पोखरा गढ़ा गुड़ी जो जानते हैं देहात में जो होता है, ये देहात में जानते हो गढ़ा गुड़ी जानते हैं जिसमें कचरा फेंकाता है, वही कचरा का डब्बा है वो, ठीक है। और आप देखिएगा टिकटॉक पे वो रील भी बनाई है पवन सिंह के गाने पे। हाँ, बहुत सारा उसके बहुत सारे गाने बनाए हैं ना। और आज थोड़ा सा नाम हुआ खेसारी के, टैटू बनवा लिया, टैटू बनवा और थोड़ा सा नाम हुआ तो उसका घमंड देख रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिएगा उसका वीडियो, मतलब इतना घमंडी है वो, इतना घमंड से बोल रही है कि हम पीठ दिखा देते हैं ना तो लोग हमको पहचान जाते हैं। आखिर उसने क्यों कहा कि पीठ दिखा देंगे तो लोग पहचान जाएगा, इसके पीछे पीठ नहीं वो कुछ भी दिखा देगी तो लोग पहचान जाएगा, इतना उसका नाम होगा, भोजपुरी से जुड़ी है ना, तो इतना भोजपुरी में पावर है कि उसको लोग हिट करा दिया है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, लोग के दिमाग मांग नहीं है। हमारे एक पत्रकार साहब है आरती न्यूज वाले, उन्होंने उससे पूछा कि आपका बच्चा कब होगा, तो वो कह रही है कि खेसारी से मिलेंगे तो बच्चा हो जाएगा। आखिर खेसारी से मिलने के बाद ऐसा क्या होगा कि उसका बच्चा हो जाएगा? अब आप ही सोचिए ना कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है, एक लड़की हो करके और सोशल मीडिया पे ऐसे कैसे बोल सकती है, जबकि उसका शादी हो गया है, उसका हस्बैंड है, अब उसका हस्बैंड भी ये वीडियो को देखा होगा, फिर उसके दिमाग में क्या चला होगा, क्या चला होगा आप ही सोचिए ना, बताइए कुछ जानना चाहते हैं, हम खोल के सुनना चाहते हैं, हम खोल करके नहीं बोलना चाहते, खोल के बताइए आप साहब। जब तक आप खोलिएगा नहीं दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि उसके मनसा क्या है, उसका मनसा क्या है? उसका मनसा यही है कि अब जानते हैं कोई भी काम तो ऐसे देता नहीं है, कोई काम ऐसे थोड़ी देता है, तो वो भी कुछ की होगी इसलिए उसके दिमाग में आया होगा, बोल दी होगी, बलास हो गया होगा। सच तो निकल ही जाता है, सच तो सबको पता चल जाता है, तो अपने मुंह से बता रही है। मतलब उसने जो जो बोला हुआ है वीडियो में, चाहे वो इंटरव्यू में हो या खुद से बना के डाला हुआ वीडियो, उसके पीछे कोई ना कोई राज छिपा है। हाँ। एक लाइव में पटना जब उसका पहला गाना आया था जिसका नाम है हरदी लागल जान के, पहला गाना आया, अच्छा खासा चला, बाकी आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आएगा, खेसारी भैया का ही गाना आएगा लेकिन कोका कोला वाला आएगा, हरदी लागल जान का नहीं लग आएगा। उस समय बोलती है कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं और वो भी भरे महफिल में, ये भी तो गाना चोरी का ही गाना है। अरे बाप रे, दर्शकों देख लीजिए सीधा आरोप लग रहा है कि गाना चोरी का है। किनका किनका है? एक लड़का का, नया नया लड़का है, उसका चोरी का गाना है। सबसे पहले तो प्रमोद प्रेमी का गाना ये रिलीज हुआ था, तो ये चोरी का हुआ कि नहीं? खेसारी भैया तो सीधे लाइव में बोल रहे हैं कि एक सिंगर है जिसने मेरा जो है गाना ले लिया, चला दिया और हिट हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर सिंगर सोच रहे हैं कि हमारे गाने चला के अगर हिट हो रहे हैं तो और भी गाना ले सकते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो गाना उसी का था। अच्छा, अब खेसारी का एक भी गाना सुना जो बिना चोरी का हो? नहीं, हम तो नहीं कह सकते कि चोरी का गाता है कि नहीं गाता है। क्यों नहीं कह सकते आप? मुझे उसके पीछे का राज नहीं पता है। क्यों? उस गाना कहाँ से लेता है? कोई भी गाना हो, जितना भी गाने हिट हुए हैं उनके सारे चोरी के गाने हैं।
किसी भी गाने के बारे में हमसे पूछ लीजिए, अगर चुरा के गाना नहीं गाए खेसारी तो उनका लेवल बहुत नीचा हो जाएगा। अभी एक गाना बहुत अच्छा उनका हिट हुआ था, झगड़ा करा दे ले भैया, झगड़ा ये भी गाना उठाया हुआ है, रागनी म्यूजिक का गाना है, छोट मोटे सिंगर का गाना है, उसको उठा कर गा दिए। बहुत जितने भी गाना हिट हुए हैं उनके सारे चोरी का गाना है। खुद वीडियो में जब खेसारी जी पवन सिंह के साथ नया लड़का का, तो ये सीधा सीधी सी बात है। और वो भी यादव जी का गाना, यादव के लड़का का ही गाना है, बोलते हैं कि यादव हैं हम, हमारा यादव से उनका सपोर्ट करता है, तो यादव के बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। जरूर सोचना चाहिए। कुछ समय पहले मतलब कि सालों पहले जो है खेसारी और पवन सिंह मिले हुए थे, तो एक लाइव शो में वीडियो में खेसारी जी खुद बोले थे कि पवन भैया है, इनके नाम से ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है, ये हमारे बाप दादा माए बाप सब कुछ है। लेकिन वही उनकी चेली समियाना पोखरेल या सौम्या पोखरेल टैटूगर जो भी है, मैं सौम्या पोखरेल का मैं मान करता हूँ, काहे कि वो लड़की है। और शुरू में मैंने सपोर्ट काफ़ी किया था, उनके दरवाजे पे मैं गया, न्यूज बनाया और काफ़ी अच्छा उनका व्यूज भी गया, लोगों ने मतलब देखा भी सराहा भी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि मुझे काफ़ी दुख हुआ है सौम्या जी, आपके बातों से आपने जो बोला है उससे मुझे काफ़ी दुख हुआ है। दुख इसलिए नहीं हुआ है कि आपने बोला है पवन सिंह को नहीं जानती, दुख इसलिए हो रहा है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को न जानने का जो अपमान का जो आपने ठप्पा लगाया वो बहुत बुरा है। तो पवन सिंह तो खेसारी लाल तो कह रहे हैं कि पवन सिंह माई बाप है, और उनकी चेली कह रही है कि हम जानते ही नहीं है। वो है ही पवन सिंह, भोजपुरी का आन बान शान सब कुछ है, और उसको ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती है, वो जान बूझ करके बोल रही है कि हमारा पब्लिसिटी हो, ठीक है हम कॉन्वर्सी में आए। क्या है कि जितना खेसारी लाल तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको विवाद में हम आए ताकि हमारा टीआरपी हमारा बना रहे, तो वो भी तो उनका ही चेली है, तो वो भी तो वहीं चाहेगी, तो मतलब कुछ ना कुछ गुण आ ही जाएगा। खेसारी भैया जो है वो भी तो कहते ही हैं कि वो हमारे गुरु हैं, सब कुछ है, और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि खेसारी जी लाइव आते हैं और फिर सुनाने लगते हैं? उनको कहना पड़ता है और उनको कहना पड़ेगा। अच्छा क्या कहना पड़ेगा? गुरु हैं हम, हमसे उनसे बड़े हैं वो, तो उनको तो जब पब्लिक के सामने आएंगे तो उनको बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनमें उतना पावर है, उतना दिन से वो काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम करते हैं। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सौम्या पोखरेल जी हैं, जी लगा दे रहा हूँ आपको, सम्मान देना जरूरी है, आप लड़की हैं और मतलब जो भी कर रही हैं अच्छा खासा है, आपका एक ओहदा है, चाहे जो भी हो मैं आपका मान नहीं करना चाहता सौम्या जी, आप बुरा मत मानिएगा। सौम्या जी जो है एक नेपाल से आए हुए हैं, टिकटॉक पहले स्टार थी और वहाँ रहते हुए भी एक लड़के को उन्होंने पैर पे पड़वाया था। उसको कौन जान रहा था? आप जान रहे थे टैटू बनवाने से पहले? नहीं, नहीं जानता था। तब कैसे स्टार कैसे बोल सकते उसको? नेपाल में लोग कर रहे हैं कि टिकटॉक स्टार है। कुछ नहीं है वो, नेपाल में एक है प्रीति पासवान जो उनसे बड़ा स्टार है वो, ठीक है, ये कुछ स्टार पिस्टार कुछ नहीं है। हमारे सौरभ भैया आप पीछे फोटो देख रहे हैं, उनका स्टूडियो भी है एसएस फिल्म्स। सौरभ भैया तो कल के लाइव में खुद कहे थे कि सौम्य तुम आओ, हम प्रीति पासवान को बुलाते हैं, हाँ, और तुम दोनों को 5 मिनट नहीं 50 सेकंड का टाइम दिया जाता है, एक गाना पर तुम दोनों को डांस करना, जो बेहतर डांस करेगा वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाओ ना दोनों, हाँ, एक ही गाना पे, फिर देखते हैं किसमें कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट है। आपको क्या लग रहा है दोनों में किसका टैलेंट बेहतर है? दोनों में सब अच्छा करेगी तो प्रीति पासवान ही करेगी। आखिर क्यों? क्योंकि इसके पास टैलेंट है, ये काम की मेहनत से यहाँ तक आई है और ये तो टैटू बनवा ली बस। आपको क्या लग रहा है, टैटू पे खेसारी ने काम दिया होगा या इसके पीछे भी लग रहा हूँ? टैटू पे ही दिया है, टैटू पे दिया है, उसके बाद में क्या बोलते हैं कि देखिए नेपाल में टैटू बनवाने से इसका तो नाम हो गया है, और खेसारी लाल इसको इसलिए गाना में लिए हैं ताकि नेपाल में इनका गाना हिट हो जाए। मतलब कि राजनीति बहुत बड़ी हुई है, हाँ, और ये लोग यहीं कर करके गाना हिट कराते हैं, चुराएंगे गाना, विवाद में आएंगे, लाइव आएंगे, 10 गो बात ऐसे गलत सलत बोल देंगे और झूठों के माफी मांग लेंगे और पब्लिक को चुतिया बना देंगे, अब बस फिर 50 गो न्यूज वाले लोग हैं वो न्यूज बना के डालने लगेंगे उसी चीज़ को, ये लोग विवाद में आ जाएंगे, गाना विवाद में आ जाएगा, गाना का टीआरपी हो जाएगा, उसके बाद में गाना रिलीज होगा। अभी कुछ दिन पहले खेसारी जी और सौम्या पोखरेल का गाना आया था हरदिया लगल जान का,
तो मैं खेसारी भैया का कुछ नहीं कहना चाहता, वो एक भला आदमी है, लेकिन उन्होंने जिस लड़की को मौका दिया सौम्या पोखरेल का, आपने वो गाना तो जरूर देखा होगा, सुना भी होगा, गाना काबिले तारीफ है, जो भी हो जिसका भी हो, चाहे वो चोरी का हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सौम्या पोखरेल ने उस वीडियो में जो एक्ट किया है वो आपको कैसा लगा? कुछ नहीं, हमको तो कुछ पसंद नहीं आया। खेसारी भैया तो खुद गए हैं कि सौम्या पोखरेल को मैंने हर एक एक्ट समझाया है, उसको बताया है, सब चीज कराया है। समझाने से क्या हो जाता है, गधा और घोड़ा में अंतर होता है कि नहीं? होता है, वही चीज समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात बोल दी आप, मतलब आपने एक ऐसा इशारा दिया, दर्शक लोग आप समझ जाइए कि गधा और घोड़ा का मतलब क्या होता है। अगर घोड़ा को एक बार सिखा दिया जाए सीधे चलते तो सीधे चले, पर भी वो चलता है। हाँ, घोड़ा तो चलेगा, गधा को 10 बार बताइएगा तो उसको नहीं आएगा। और गाने के रिलीजिंग के टाइम में ही दर्शकों आप वीडियो चल रहे, खेसारी भैया बोले थे सीधा कि कोई एक ऐसा बात ना बोलो किसी को कि उसको दिल पे लग जाए, जो भी बोलो बहुत अच्छे व्यवहार से बोलो, सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और उस बात के बाद में कुछ दिन कुछ ही समय बाद सौम्या पोखरेल बोल रही है कि पवन सिंह को नहीं जानते, तो दिखाने के लिए बोले थे, लेकिन अब कैमरा के सामने जो बात होता है वही ना हम लोग जानते हैं जी, और जो कैमरा के पीछे होता है वो कोई नहीं जानता, अंदर मीटिंग रूम में क्या हो रही है क्या जानता है कोई, वही चीज़ है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। मतलब कि एक ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई प्रकार की राजनीति हो रही है जी, आखिर की है सिर्फ, और भोजपुरी आप देख रहे हैं कि ये क्या साउथ के जो गाने होते हैं उन पे लोग काम कर रहा है। खेसारी लाल बोलते हैं कि हम भोजपुरी के ये मुकाम दिए हैं, चाहे कोई भी बोलता है, सारा हिंदी का तो ट्रैक धुन उठा उठा के गा रहे हैं आप लोग, साउथ के हिंदी के जितना भी गाने आपके हिट है सारे हिंदी के गाने, हिंदी के धुन है, तब कैसे बोल रहे हैं कि भोजपुरी को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाने की नीचे ले आ रहे हैं, अब तो अपना पेट भर रहे हैं। सही बात है, कोई भी गाना आप बता दीजिए जो आपका धुन हो, जो हिंदी के धुन से मैच नहीं करता हो, तो अपना धुन कीजिए ना, तब ना कहिएगा कि हाँ हम भोजपुरी को आगे ले जा रहे हैं। अब साउथ इंडस्ट्रीज को देखिए कितना आगे है, सारे कंटेंट बवाल वाले आते हैं, कितना आगे है अभी, बहुत ज़्यादा, बॉलीवुड को भी पीछा छोड़ रहा है, और हमारा भोजपुरी सिर्फ बिहार भर में और यूपी भर में इतना ही, इसमें भी लोग नहीं जान, आधा मान लीजिए कि 50% लोग जानता है, 50% लोग सुनबे नहीं करता है, सुनबे नहीं करता है, काहे काहे नहीं सुनता है, थोड़ा सा बता दीजिए काहे नहीं सुनता है, इसमें गंदगी लोग कर दिया है ना, अश्लीलता भरा है, अश्लीलता तो अलग की बात है, क्या बोलते हैं एक ही चीज़ को आप परोस रहे, मतलब एक के जैसा गाना गा रहे हो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ विवाद कर रहे हो, गाला गाली रोज के रोज कर रहे हो, कोई इसी आदमी सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी, दर्शकों अभी आप देख रहे थे हमारे साथ रत्नेश जी हैं, आपने हमारे इंडियन टाइम्स न्यूज पे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा हमको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, और भाई लोग को भी धन्यवाद है कि हमारा वीडियो इतना देखे आप लोग। इंडियन टाइम्स न्यूज़ को जितने भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं या फिर देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना वीडियो आ रहा है सभी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारा प्यार दिला दीजिए। नमस्ते, प्रणाम, क्लियर।